फिर आप दोनों गए थे, क्या हुआ? चंदा कैसे लगी? अच्छी अच्छी बहुत बहुत अच्छी। हाँ, मेरा तो ख्याल था कि पहली बार देखूंगी तो अपने कड़े उतार के अपनी बहू को पहना दूंगी, पर मिलना ही नहीं हुआ। अरे बस कर रहा है, क्या हो गया? अब हमने मिलके देख के क्या करना है? जो हमारे बेटे ने लड़की पसंद कर ली तो बस बात खत्म हो गई। नहीं क्या? अरे नहीं ठहर, और ये जो कंगन वंगन पहनाने ना, शादी के बाद घर आएगी जितने मर्जी तू चाह पूरे कर लेना बस। नहीं नहीं क्या मतलब बाबा, आप लोग गए थे और चंदा से मिलके नहीं आए? हाँ वो अम्मी जी को कुछ जरूरी काम था और अब्बा जी भी घर नहीं थे। तो फिर आप लोगों को शाम के टाइम पे जाना चाहिए था ना, जब सब घर पे होते। हाँ सही कह रहा है। तो अरे अब तो होंगी ना मुलाकातें, बैठेंगे आमने सामने, दूब दूब कोई नहीं। आप लोग चले जाते, सबसे मिल लेते, बात फाइनल हो जाती तो मुझे भी तसल्ली हो जाती ना। हाँ बेटा, आज तो मेरी भी यही थी। अरे तो कल चले जाते ना, कर लेंगे बात, ख्वाहिश तेरी पूरी हो जाएगी। चाह बना, सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं, फिर भी कुछ नहीं था। खैर जो तू तो बना चाह। अच्छा मैं कहती हूँ। अरे को बाप बेटा भी कर लेना बात। भेजा मैंने इसलिए कि औरतों का ध्यान जाता है ना, घर मामूली सा था पुराना, फिर ऐसे खाया पिया भी कुछ नहीं, छोड़ी कुछ जमाना थोड़ी है। अरे मैं तुझे बताता हूँ, वो तेरा क्या है, वो इकराम अंकल, वो ख्वाहिश से तेरी याद आया, वो सुनाता था शेर, क्या था? हाँ हजारों हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले, पर जिस पे दम निकले वो घर से कम निकले। हमने तो देखा भी नहीं था तेरी माँ को, तू तो भाई खुश नसीब है। कोई नहीं, फिक्र ना कर, होगी मुलाकातें बड़ी। हाँ मिस चंदा, अब आ गया सकून, मामा पापा मिलने आ गए तुम्हारे घर। हाँ लेकिन आंटी अंकल इतनी जल्दी चले गए, पड़ोस में डेथ हो गई थी, जनाजे के लिए जाना था। ओह अच्छा, और तुम्हारे बाबा भी घर पर थे? मैं तुम्हें फोन करती हूँ अभी। चंदा बात तो सुनो यार मेरी। हाँ बोलो। ये बताओ कि हम मिल कब रहे? बताती हूँ ना, अभी अभी करती हूँ कॉल बैक। चंदा तो पता है ये बाजार बाजार की रोटियां मैं कहाँ खाता हूँ। तुम ले तो आओ ना, तुम्हारे लिए दो रोटियां घर में डाल दूंगी। ये तो पता है लानी कितनी है, पांच ले आओ ना। हाँ क्या कहा आपने उन्हें? किससे? शहाब के अम्मी अब्बू से। कुछ नहीं कहा। शहाब का फोन आया था मुझे, आपने उनको बोला कि आपको कहीं जाना है, पर आपने मुझे कहा कि शहाब के अम्मी अब्बू को कहीं जाना है इसलिए वो जल्दी चले गए। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा? ठीक हूँ। माशाल्लाह भाभी, आपको देखे ना बच्चों के साथ दिल से दुआ निकलती है। आप बच्चों के साथ इतना बिजी रहती हैं, बस अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। और बच्चे नजर नहीं आ रहा भाई? हमारा बड़ा वाला जो है वो तो मेरे ख्याल अभी तक घर नहीं आया है ना, छोटा भी बाहर गया है, और बस मेरे ख्याल सितारा हो गया। सितारा आइए ले। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी बेटा? मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। तो फ्यूचर में क्या बनने का इरादा है? आर्किटेक्ट इंजीनियर। अरे वाह भाई मंसूर, मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी को यही संभालेंगे। हाँ जी, बस बच्चों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं और माँ बाप के तो बस इतने ही ख्वाब हैं कि ये इज्जत से अपने घरों की ओर जाएं। आमीन।